आलोट नगर में अवैध अविकसित कॉलोनियों का धंधा चरम पर है, जिसमें आम आदमी की मेहनत का पैसा कॉलोनाइजरों की तिजोरी में तो जा रहा है, लेकिन उन्हें पूर्ण विकसित कॉलोनियों के सपने दिखाकर पूरी तरह से अविकसित एवं असुविधा वंचित कॉलोनियों में प्लाट देकर ठगा जा रहा है। नगर की शिव वाटिका एवं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के खिलाफ RTI कार्यकर्ता योगेश राणा ने मोर्चा खोला है। उक्त दोनों कॉलोनियों में कॉलोनी एक्ट का जमकर दुरुपयोग हुआ है, वहीं शासकीय भूमि अतिक्रमण भी किया गया है, जो SDM द्वारा की गई जांच में उजागर हुआ है। इस संबंध में जानकारी देते हुए योगेश राणा ने बताया कि उक्त का दोनों कॉलोनियों अविकसित होकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई हैं, जिसको लेकर मेरे द्वारा पूर्व में भी अनुविभागीय अधिकारी महोदय आलोट को एक शिकायत की गई थी, जिसमें उन्हें जांच के बाद दोनों ही कॉलोनियों में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण पाया गया। वहीं इन कॉलोनियों में मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी नियम 19 की शर्तों का उल्लंघन भी पाया गया है। जिसको लेकर आपने प्रेस वार्ता रखी गई, मैंने जनता के हित की आवाज उठाई है। जन प्रतिनिधियों का जो काम था और अवैध अतिक्रमण कॉलोनाइजर्स और आलोट के अनेक कॉलोनियों में हुए, उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय, अनुभागीय अधिकारी महोदय को पत्र दिए थे। आपके संज्ञान में ऐसी कितनी कॉलोनी है जिसके अंदर अवैध अतिक्रमण कर रखा है? मेरे जो शिकायत पे जो जांच प्रतिवेदन माननीय राजस्व अधिकारियों ने अपर अधिकारियों को दिया, उसमें 2-3 कॉलोनियों के नाम आए हैं, जिनमें स्पष्ट अंकित है कि इन कॉलोनियों में शासकीय भूमि पे कब्जा है और इसको मतलब अवैध घोषित करके और अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। वो रिपोर्ट भी मैंने आप मीडिया कर्मियों को, मैं उसकी सत्यापित कॉपी आपको अभी आपके द्वारा कहा गया है कि 2-3 कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उन कॉलोनी का थोड़ा सा उल्लेख करेंगे? कौन कौन सी कॉलोनी? इंद्रप्रस्थ कॉलोनी और शिव वाटिका कॉलोनी का स्पष्ट प्रतिवेदन में आया है कि दोनों ही कॉलोनियों पर शासकीय जमीनों पर कब्जा है और कॉलोनाइजर ने रोड, नालियां और गेट और दीवारें शासकीय जमीन पर गठित करी है, जनता को धोखा दिया। अधिकारी के द्वारा क्या कहा गया है ऐसा कॉलोनाइजर वाले मामले को लेकर? प्रशासनिक अधिकारी ने माननीय कलेक्टर महोदय से मैं जन सुनवाई में मिला था, उन्होंने मेरे को बोला है कि निश्चित रूप से शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, आप विश्वास रखिए, समय लग रहा है लेकिन कार्रवाई होगी। आपका मुख्य उद्देश्य दो ही कॉलोनी थी या समस्त कॉलोनी? मैंने अनेकों कॉलोनियों के बारे में शिकायत करी है, जांच रिपोर्ट में अभी 2 कॉलोनियों का नाम आया है, अन्य पे जांच जारी है, जो भी होगा आप लोगों के सामने आएगा। ऐसे आपके पास कितने साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य को लेकर आप अतिक्रमण बता रहे हैं? मैंने नगर पालिका में सूचना अधिकार के तहत सब जानकारी मांगी थी, कई कॉलोनियों में मेरे को जब मैंने पत्रों का और उनके पेपरों का अध्ययन करा तो वहाँ संबंधित आस पड़ोस में शासकीय भूमि थी और उनकी रिपोर्ट में लिखा है कि शासकीय संबंधित आस पड़ोस में शासकीय भूमि नहीं है, शक हुआ तो मैंने सूचना पत्र दिए हैं अपर अधिकारियों को, उन पर जांच जारी है। कॉलोनाइजर एक्ट के अंतर्गत अगर अतिक्रमण या किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती तो ऐसी स्थिति में जिन उपभोक्ताओं के द्वारा कॉलोनी में प्लाट खरीदे गए हैं तो उनकी स्थिति भी विचित हो जाएगी। 2016-17 के बाद रेरा अधिनियम लागू हो चुका है और 2016-17 में केवल और केवल वो कॉलोनियों का पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है जो रेरा में रजिस्ट्रेशन हो और जिन्होंने रेरा शर्तों का पालन किया हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा मानना है कि ये सभी के साथ में, जो गरीब जनता उनके साथ में अन्याय है और इसके लिए आप लोग सब मिलकर मेरे साथ आवाज उठाएं। मैडम जी, सी वाटिका इंद्रप्रस्थ कॉलोनी वाले मामले को लेकर एक शिकायत की गई है योगेश कुमार राणा के द्वारा कि ये कॉलोनी अवैध है या अनियमित बनी हुई है, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये मेरे संज्ञान में आया ये मामला, मैंने एक लिखित शिकायत भी की है उन्होंने, योगेश राणा जी ने, तो उस शिकायत पर मैंने उसको फिर से, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि ये हैंड ओवर हो चुकी थी, फिर भी उसमें कुछ काफ़ी कमियां थी, तो मैंने RI प्रतिवेदन और पटवारी प्रतिवेदन लिया है, वो आ गया है और मैं उसी को प्रतिवेदन बना के साहब को पेश कर दूंगी। योगेश राणा जी के द्वारा ये भी कहा गया है कि आलोट में बहुत सारी कॉलोनी जो शासकीय जमीन पर बनी और उनके द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, इस मामले को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जी, जैसा कि शिव वाटिका और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी की बात सामने आई है, उसी तरीके से हमने सभी कॉलोनियों का भी पुराना रिकॉर्ड निकालना शुरू कर दिया है और इस पर कार्रवाई अवश्य होगी।